हेलो 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 वेलकम टू द क्लास आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे उम्मीद तो यही होती है आज हम स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट कर रहे हैं आपका आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चरल पार्ट था वो खत्म हो गया है अब हम बेसिकली आज वाला जो लेक्चर है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और आज के आगे के तीन लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कवर होगा ठीक है फिर कन्फर्मेशनल कवर होगा एंड ऑप्टिकल के साथ फिर खत्म होगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ज्योमेट्रिकल ठीक है पहले आज की जो लेक्चर होगी उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम फोकस करने वाले स्टार्ट ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर आज हमें जो समझना है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन करने पड़ेंगे ठीक है ना एक ही तरीका है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के क्वेश्चन एग्जाम में आए और आपका सही हो एक ही तरीका है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे जीआई के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे चलो सब कुछ पेन कॉपी सब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए मुझे समझाने दो अगले पांच मिनट और उसके बाद मैं लिखने का टाइम दूंगा आप लोग लिखना और फिर आगे पढ़ना फिर क्वेश्चन भी करेंगे साथ मिलकर आ जाओ <coughs> सबसे पहले समझते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है तो एक बात बताओ आइसोमर्स में सेम क्या होता है आइसोमर्स में डिफरेंट की बात बात में करेंगे बट अगर कोई दो आइसोमर है तो सेम इन फॉर्मूला तो यहां परिज्म में भी आपको सबसे पहले ये लिखना है कि भाई अगर आइसोमर है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की बात है आइसोमर तो है तो आइसोमर है तो सर सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो होना ही पड़ेगा अच्छा अच्छा इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ठीक है हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तो हमने बोला था कि मोलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट यही बोला था मोलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमर था जो मेट्रिकल में क्या है कि जो मोलिक्यूलर फार्मूला भी सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम दोनों सेम हो गए अब स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं रहा तो सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला दूसरा आएगा सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम डिफरेंट क्या है ऐसा क्या है जो इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से उठा के हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बेटा 2D में डिफरेंस हो रहा था यहां पे 3D डिफरेंस होगा डिफरेंट अरेंजमेंट अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ पहला और दूसरा आपको समझ में आता है थर्ड पॉइंट में आपको आज समझाने वाला हूं डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट तो मैं बहुत पॉइंट वाइज बहुत क्रिस्प करके और क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तब नंबर आपके बढ़ेंगे आज उसी पे अपन पढ़ते भी हैं आ जाओ डिफरेंट स्पेशियल अरेजमेंट पहले समझो यह स्पेशियल अरेजमेंट क्या है स्पेस की अरेंजमेंट स्पेस का मतलब थ्री डी की अरेंजमेंट सो so, अगर थ्री डी में अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है थ्री डी में कुछ नया फिगर बन के आ जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेजमेंट एस्पेशियल अरेजमेंट का मतलब थ्री डी में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया अच्छा डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट यहां एक छोटा सा लिखेंगे ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अब मैं थोड़ा दो मिनट लूंगा पेन नीचे नजरे ऊपर मेरी तरफ ये देखो ये एक पेन है और ये दूसरा पेन है दोनों पेन दिख रहा है अब मैं एक पेन को नीचे रखता हूं कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ऐसा करना है कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ठीक है अब ये कार्बन और कार्बन कार्बन और के बीच में सिंगल बॉन्ड है मैं जिधर चाहूं कार्बन को घुमा सकता हूं 360 डिग्री आपके सामने कार्बन और कार्बन घूम रहे हैं देखो सिंगल बॉन्ड में कोई भी रेस्ट्रिक्शन कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिंगल बॉन्ड में रोटेशन 360 डिग्री तक हो सकता है हो रहा है आपके सामने ठीक है सिंगल बॉन्ड में 360 डिग्री तक रोटेशन हो रहा है आप चाहे तो सेम रोटेशन करा सकते हैं आप चाहे तो डिफरेंट रोटेशन करा सकते हैं किधर भी घुमा सकते हैं सिंगल बॉन्ड में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिंगल बॉन्ड में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है अब मैं क्या करता हूं कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड लगाता हूं अब मैं क्या करता हूं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहे देर आर टू बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन आप सब लोगों को दिख रहे हैं अब क्या होगा कि सर अब मैं रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं देखोगे तो दोनों पेन टक्कर खा गए आपको दिख रहा है कि दोनों पेन टक्कर खा गए रो, रोटेशन अब फ्रीली नहीं हो पा रहा है सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्रीली हो रहा था डबल बॉन्ड में बेटा ये दोनों टक्कर खा रहे हैं आवाज भी सुनाई दे रही होगी मैं माइक के पास ले जाता हूं ठीक है तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन कहां रुक कहां आ रहा है डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्शन नहीं था डबल बॉन्ड करने की वजह से दोनों डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्ट होने लगे फिर से एक बार ये देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है आपकी मर्जी है जितना घुमाना चाहो जिस तरह घुमाना चाहो सेम साइड अपोजिट साइड थ्री डिग्री घूम रहा है लेकिन मैंने क्या किया अब डबल बॉन्ड लगा दिया कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड सबको दिख रहा है हाँ अब मैंने कार्बन और कार्बन को रोटेट करना चालू किया देखो रेस्ट्रिक्शन आया तो डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्शन आ रहा है देखो क्लियर सब लोगों को रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है क्लियरली चलो तो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है डिफरेंट अरेंजमेंट ड्यू टू अरेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है कि भाई पाई बॉन्ड उसको घूमने नहीं दे रहा एस्पेशियल अरेंजमेंट इसका डिफरेंट है क्यों क्योंकि उसको रेस्ट्रिक्ट हो रहा है रोटेट होने में दिक्कत हो रही है अच्छा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आज के बाद मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज क्या आएगी वैसे मैं आगे इसको लिखवाऊंगा अच्छे से बट पहले तो ये समझो कि ये पाई बॉन्ड हो गया बॉन्ड में भी क्या आपको डबल बॉन्ड समझ आ रहा है फिलहाल आपको डबल बॉन्ड समझना है ट्रिपल बॉन्ड की कहानी थोड़ी देर बाद समझ में आएगी चलो तो अगर डबल बॉन्ड आएगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा अच्छा और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तब स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा इसी को जीआई कहते हैं मैं फिर बताऊं पहले तो पाई बॉन्ड होगा क्योंकि पाई बॉन्ड से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है क्योंकि अब 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 पाई बॉन्ड घूम घूम नहीं नहीं पा रहा है। अब नहीं पा रहा रहा है है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया अब घूम नहीं पा रहा है तो यहां का ग्रुप डिफरेंट यहां का ग्रुप डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया समझना तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे आएगा पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड की वजह से अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है पहली चीज और उसकी वजह से थ्री में अरेंजमेंट चेंज हो गया यही जी है बोलो क्लियर समझ में आ रहा है आ, अंशु ज्योति सब लोगों को समझ आ रहा है क्लियरली कोई दिक्कत नहीं है तो आइसोमर आपको सबसे पहली बात कि पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड हो ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इट इज कॉल्ड एज जोमेट्रिकल आइसोमरिज्म अब आते हैं जैसे मान लो मेरे पास ये वाला एक केस रहे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इधर मैंने हाइड्रोजन लगा रखा इधर मैंने क्लोरीन लगा रखा इधर मैंने हाइड्रोजन इधर मैंने ब्रोमीन लगा दिया चलो सिमिलरली यहां पे हाइड्रोजन पे क्लोरीन यहां पे ब्रोमीन। क्या यहां जीआई शो होगा तो आप आंख बंद करके इसका आंसर दो नो क्योंकि वीटी सर ने आपको पहले ही बता दिया बेटा सिंगल बॉन्ड में जीआई नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है ठीक है तो यहां पे कोई भी जीआई नहीं होगा क्यों क्योंकि जीआई होने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए रोटेशन को रोकने वाला होना चाहिए यहां पे रोकने वाला कोई भी नहीं है सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अपने आप फ्रीली 360 डिग्री होता है एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई है अब देखो अगर मैं सेम एग्जाम्पल को ऐसे लिखता हूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहां पर हाइड्रोजन यहां पर क्लोरिन सिमिलरली यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर ब्रोमिन आप क्लोरीन भी लिख सकते हो सबसे पहले आपने देखा कि सर यहां पे तो डबल बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है अब डबल बॉन्ड आने की वजह से सर रोटेशन फ्रीली नहीं होगा रोटेशन को रोका जाएगा डबल बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगा तो सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अब सुनो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बाद स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होगा देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड है अगर मैं सेम एग्जाम्पल को हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को बेटा अपोजिट साइड कर दिया को बाकी चीजें सेम है, मैंने हाइड्रोजन को घुमा फिरा के नीचे ले आया और कुछ नहीं किया इसी को कहते अरेंजमेंट का चेंज होना कि बेटा यहां पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड थे अब देखो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है दिस इज कॉल्ड एज एस्पेशियल अरेंजमेंट का चेंज ज कॉल्ड है स्पेशियल अरेजमेंट का चेंज तो दो चीजें मुझे समझानी थी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है वो समझ में आ गया कि सर पाई बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है सिंगल बॉन्ड में नहीं है मतलब पाई मतलब डबल बॉन्ड में है सिंगल बॉन्ड में नहीं है अच्छा उसके बाद स्पेशियल अरेजमेंट कैसे चेंज हो रहा है तो देखो डबल बॉन्ड के ऊपर है दोनों हाइड्रोजन यहां पर एक ऊपर है एक नीचे है इसी को स्पेशियल अरेजमेंट चेंज हो गया स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज समझना है तो एक वीटीएस देखो वीटी सर का एक बॉम्ब देख लो जो एक बहुत आसान कर देगा देखो सब लोग पेन नीचे करके इधर देखेंगे ये हाइड्रोजन ग्रुप है हां सर ये भी हाइड्रोजन ग्रुप है ठीक है सर इन दोनों के बीच में एरियल डिस्टेंस एरियल डिस्टेंस समझते हो हवा हवा में डिस्टेंस एरियल डिस्टेंस ठीक है तो ये डिस्टेंस इसको मान लेते हैं एक्स ठीक सर समझ में आया अब एक काम करते हैं ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है और इन दोनों में जो ये है ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्या आपको फील नहीं आ रहा है लेकिन फील करना पड़ेगा कि भाई डायगनल तो सीधा -सीधा सामने -सामने और एक डायगनल हो गया तो डायगनल वाला दूर होगा स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज का मतलब समझ रहे हो कि एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगा यहां पे मैंने लिखा सबसे पहली बात कि डबल बॉन्ड से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आया दूसरा चेंज हो गया स्पेशियल चेंज का मतलब समझ रहे हो कि बेटा स्पेशल चेंज का मतलब एरियल डिफरेंट एरियल एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट बहुत अच्छी बात समझ में आई एरियल डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है यहां पर एस्पेशियल चेंज का मतलब समझ में आया कि एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है ये ऊपर एक्स है नीचे वाई है बोलो हाँ ना। क्लियर हुआ अभी सिस और ट्रांस में मत घुसो मुझे पता है ये सिस है आपको भी पता है ये ट्रांस है ये तो नौवीं क्लास के बच्चे को पता है लेकिन अभी बेसिक्स को मजबूत करो फिर जाके जीआई में तो जीआई में कितने सवाल करेंगे डेढ़ सौ कितने बेटा फिर से बोलना एक सौ पचास सवाल कहा आपके कॉपी में हां सच है और कोई कराएगा नहीं ठीक है अब आ जाओ यहां पे कि भाई ये x है और ये y है स्पेशल अरेंजमेंट का चेंज का मतलब है कि सर ये दोनों का एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो गया बहुत बढ़िया नेक्स्ट अब लिखेंगे कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अब लिखेंगे कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल टॉपिक लिखिए एच एंड बी आर का डिस्टेंस मत देखो हमेशा सेम ग्रुप का डिस्टेंस देखते हैं ठीक है ना हमेशा सेम ग्रुप का डिस्टेंस देखते हैं इस तरह से आपको देखना पड़ेगा ठीक है एरियल डिस्टेंस हमेशा सेम ग्रुप का होता है चलो आ जाओ कंडीशन फॉर रेजोनेस नया टॉपिक आप लिखो ऊपर कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस नहीं कंडीशन फॉर जी कि जी होगा यह कैसे आपको पता लगेगा कंपाउंड में देख के कैसे पता करें कि जी हो रहा है पहली चीज सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है. पहली चीज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का होना बहुत अनिवार्य है जीआई में जब तक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगा भूल जाओ अच्छा दूसरा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात दोनों ग्रुप जो टर्मिनल पे जुड़े हुए हैं फिर इधर आओ मैं समझाऊं पहले ये डबल बॉन्ड का पहला टर्मिनल है डबल बॉन्ड का दूसरा टर्मिनल है डबल बॉन्ड का एक टर्मिनल ये है एक टर्मिनल टर्मिनल का मतलब लास्ट पॉइंट ठीक है ना एंड ट इज टर्मिनल अब डबल बॉन्ड का एक टर्मिनल और डबल बॉन्ड का दूसरा टर्मिनल ठीक दोनों टर्मिनल पे जो दो ग्रुप्स है वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए मतलब समझ आया फिर से बताता हूं डबल बॉन्ड के दोनों टर्मिनल पे ग्रुप्स शुड बी यूनिक डिफरेंट डबल बॉन्ड का एक टर्मिनल पे गए हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट है डबल बॉन्ड के दूसरे टर्मिनल पे आए हाइड्रोजन और ब्रोमिन डिफरेंट है दोनों टर्मिनल पे जाना है इधर भी यूनिक होना चाहिए इधर भी यूनिक होना चाहिए तब जाके जी आई शो होगा आ जाओ इसको पहले लिखो और फिर एक बार और समझता हूं ग्रुप अटैच एट टर्मिनल ग्रुप अटैच एट टू टर्मिनल तो बेटा दोनों टर्मिनल पे जो ग्रुप अटैच है शुड नॉट बी ग्रुप अटैच एट टू टर्मिनल शुड नॉट बी शुड नॉट बी सेम सेम नहीं होने चाहिए ठीक है ना शुड नॉट बी सेम दोनों ग्रुप जो है जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किया हमने यहां एक टर्मिनल पे अगर ए है तो नीचे ए नहीं हो सकता शुड नॉट बी सेम दोनों टर्मिनल पे बेटा यूनिक होने पड़ेंगे अगर यहां ए है तो यहां बी होना पड़ेगा इधर ए है तो यहां बी होना पड़ेगा मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करना है एक टर्मिनल पे गए दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करो दोनों डिफरेंट है दूसरे टर्मिनल पे गए दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करो दोनों डिफरेंट है।, है सेम कंडीशन आप जाओगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहां पे क्या है ए यहां पे क्या है बी यहां पे क्या है सी यहां पे क्या है डी बड़ा सिंपल है कि भाई इस टर्मिनल पे गए दोनों डिफरेंट है भूल जाओ फिर इस टर्मिनल पे गए दोनों डिफरेंट है भूल जाओ इसका मतलब जीआई शो करेगा आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये देखो यहां भी यह भी है, यहां भी ये भी है।, भाई अलग अलग है। इस टर्मिनल पे गए दोनों डिफरेंट फुलफिल अगले टर्मिनल डिफरेंट ठीक है, 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 है।, है? एरियल डिफरेंट तो ऊपर वाले में भी है बेटा केवल एरियल डिफरेंट नहीं है ना आप देखो पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखना है फिर एरियल डिफरेंस देखना है ठीक है संध्या समझ में आया चलो अब देखो तीसरा थर्ड चीज द ग्रुप अटैच एट द ग्रुप अटैच एट टू टर्मिनल ग्रुप अटैच एट टू टर्मिनल दोनों टर्मिनल पे जो ग्रुप अटैच है लाई इन सेम प्लेन बेटा दोनों जो ग्रुप है वो सेम प्लेन में लाई करते हैं लाई इन सेम प्लेन ओके दोनों ग्रुप अच्छा ये सेम प्लेन में लाई करेंगे भी कैसे आप देखो तो ये sp2 कार्बन है मतलब प्लेनर है प्लेनर है तो सेम प्लेन में लाई करेगा तो ये कंडीशन लिखने की बात है क्लियर हुआ लास्ट कंडीशन है फोर्थ कंडीशन कि एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट इसी को कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट तो स्पेशियल अरेंजमेंट बेटा भारी वर्ड है उसको भूल जाओ एरियल डिस्टेंस हमेशा डिफरेंट होना पड़ेगा जैसे मान लो यहां पे है H यहां पे है CH3 यहां पे है H यहां पे है CH3 एरियल डिस्टेंस अगर डिफरेंट नहीं हुआ तो बेटा ये शो नहीं करेगा तो देखोगे एरियल डिस्टेंस बेटा डिफरेंट हो गया कैसे यहां पे आओ एक बार कि हाइड्रोजन ये रहा ये रहा हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन एरियल डिस्टेंसेज सामने वाला ये रहा हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन एरियल डिस्टेंसेज ये वाला ये है बेटा आपके पास x और ये है आपके पास बेटा y। मुझे लगता है समझ में आ गया x और y। ठीक है प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं बेटा ये वन के बाद टू टू के बाद थ्री थ्री के बाद फोर देखना है बस यही है पूरे ज्योमेट्रिकल में बस चार कंडीशन ध्यान रखना पहला डबल बॉन्ड होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए दूसरा ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए दोनों टर्मिनल पे तीसरा सेम प्लेन में होना चाहिए चौथा एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं कंडीशन फॉर फ्री रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब कब होगा वो कंडीशन पहले लिखो बाकी टू थ्री फोर हर जगह देखना है लेकिन आ जाओ लिखो नेक्स्ट कंडीशन फॉर एरियल डिस्टेंस आ जाओ यहां पे कंडीशन फॉर एरियल कंडीशन फॉर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो भाई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए कंडीशन क्या है कंडीशन फॉर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बेटा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए क्या कंडीशन है आइए समझते हैं बहुत प्यार से समझना सबसे पहले कि बेटा डबल बॉन्ड अगर होगा तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा अब डबल बॉन्ड कैसा भी हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये सब के सब बेटा क्या हो सकते हैं डबल बॉन्ड मैंने कहा जरूरी नहीं कि कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड ठीक है ठीक है वो प्रायोरिटी ऑर्डर इन एसआई आयन बेटा वो लास्ट में बता दूंगा आज क्लास में यहां पे आओ कंडीशन फॉर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अच्छा उसके बाद दूसरा दूसरा कि बेटा अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है वो भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है साइक्लिक कंपाउंड का मतलब समझ रहे हो अगर कोई रिंग है तो रिंग को घुमाओगे तो भी तो आपस में वो टकराएंगे आप जैसे मान लो ये आपके पास ये रिंग है दिस इज व्हाट क्लोज साइकिल अब ये घुमाओगे तो भी तो आपस में बेटा टकराएंगे वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रोटेशन फ्रीली नहीं होगा तो साइक्लिक कंपाउंड में भी रिस्ट्रिक्टेड होगा तो साइक्लिक कंपाउंड में पहला आप देखो साइक्लो एल्केन एल्केन पहला आप देखो, दूसरा आप देखो साइक्लो साइक्लो दूसरा क्या देखोगे एल्कीन ओके okay. तीसरा आप क्या देखोगे बेटा साइक्लो एल्केन और साइक्लो साइक्लो एल्केन में क्या होगा जैसे ये देखो रिंग है ये भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है घूमेगा नहीं टकराएगा आपस में क्टेड रोटेशन है घूमेगा नहीं टकराएगा आपस में साइक्लो एल्कीन में भी होगा अभी साइक्लो एल्कीन का केस आगे आने वाला है टेंशन मत लेना साइक्लो एल्कीन में भी आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है रिंग है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा साथ में बेटा हेट्रोसाइक्लिक जितने भी होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ये सारे के सारे साइक्लिक होंगे आओ यहां पे ये है ये है है बेटा नाइट्रोजन यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है यहां पे आ गया हाइड्रोजन बहुत अच्छी बात सिमिलरली पांच मेंबर रिंग है नाइट्रोजन नाइट्रोजन पांच मेंबर रिंग है ऊपर चला गया हाइड्रोजन बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड समझ में आया होगा ये सब के सब क्या है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के पार्ट है ओके सर उसके बाद अभी तीसरा कंडीशन आपको समझाऊंगा बेटा कि अगर आपके पास क्यूमुलिन है अभी क्यूमुलिन थोड़ी देर बाद समझ आएगा और अगर आपके पास बाइफिनाइल है ये सब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इन सब में बेटा आपको जीआई पढ़ना है ठीक है उसके बाद लास्ट में लिखेंगे नोट कि एलकाइन डू नॉट शो जी आई एल्काइन डू नॉट शो जी आई क्यों भाई एल्काइन जी आई क्यों नहीं शो करता ऐसे कैसे मान ले एलकाइन डू नॉट शो जी आई बिकॉज एरियल डिस्टेंस इज सेम क्योंकि बेटा एल्काइन में एरियल डिस्टेंस इज सेम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर आओ बहुत प्यार से कंडीशन फॉर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बेटा इधर सब लोग पायरो बाइस पायरो लास्ट के केसेस हैं रुक जाओ थोड़ी देर ठीक है यहां पे आओगे कंडीशन फॉर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहां पे आओ तो डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा साइक्लिक कंपाउंड में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा क्यूमोलिन में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा आगे पढ़ेंगे इल में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा आगे पढ़ेंगे एलकाइन जीआई शो नहीं करता है क्योंकि एरियल डिस्टेंस क्या है एरियल डिस्टेंस आपका सेम हो जाता है एलकाइन में तो अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की थ्योरी पढ़ी बेटा अब क्वेश्चन करने की बारी है रेडी है ठीक है रेडी है आओ सबसे पहला क्वेश्चन आपको करो आइडेंटिफाई विच कैन शो जीआई क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा करेगा तो क्यों करेगा? करेगा, तो करेगा उसके साथ बताइए के बाद ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक पढ़ाइए क्यों आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना आइसोमेरिज्म सिलेबस में नहीं है गजब हो भाई उसके बाद ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक ही पढ़ाएंगे वैसे आइसोमेरिज्म के बाद हाइड्रोकार्बन यहां पे आओ भाई यहां पे आओ क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा यस या नो बेटा सबसे पहला कंडीशन देखना है क्या आप डबल बॉन्ड है हां सर है मतलब कंडीशन वन फुलफिल है क्या दोनों टर्मिनल पे सेम ग्रुप है सेम ग्रुप होगा तो जीआई शो नहीं करेगा डिफरेंट ग्रुप होना पड़ेगा देखो मैंने तो पहले ही गया सेम ग्रुप आया इट विल नॉट शो जीआई इट विल नॉट शो जीआई ठीक है लिख लिया होगा बहुत फास्ट लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल आगे बढ़ो लिख लो पहले फटाफट से मैं गया सबसे पहला देखा कंडीशन नंबर वन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है हा सर डबल बॉन्ड है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा कंडीशन नंबर टू देखा कि सर दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप है सर ये तो डिफरेंट है एक एच और एक्स सी एस थ्री आ गया दूसरे वाले टर्मिनल पे गया कि सर यहां तो गड़बड़ हो गया इट विल नॉट शो जी आई दोनों टर्मिनल पे ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए तब जाके जी आई शो करेगा अगला कंडीशन पहला केस देखा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है डबल बॉन्ड है इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है दूसरा केस देखा दोनों टर्मिनल पे क्या डिफरेंट है हाँ भाई दोनों टर्मिनल पे देखो एक एच सी एस थ्री है दूसरे टर्मिनल पर वहां भी डिफरेंट है एच सी एस थ्री है मतलब इट विल शो जी आई इट विल शो जी आई बहुत अच्छा ये जी आई शो करेगा बहुत अच्छी बात सर धीरे धीरे हम एग्जाम्पल के लेवल को बढ़ाएंगे और फिर आपको समझ में भी आएगा आइए फोर्थ क्वेश्चन करिए पहला कंडीशन है कि क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है सर डबल बॉन्ड है इसलिए है दूसरा कंडीशन है क्या दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं पता चलेगा दोनों टर्मिनल पे अरे सर यहां देखो डिफरेंट ग्रुप से हां यहां देखो सर दोनों डिफरेंट ग्रुप से मजा आ गया मतलब ये जी आई शो करेगा मजा आ गया सर वाह 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 दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप है लेफ्ट वाले टर्मिनल पे डिफरेंट था राइट right वाले टर्मिनल पे डिफरेंट था आगे बढ़ो आगे बढ़ो यहां पे आओ जैसे आप डबल बॉन्ड पे आए ठीक है सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कंडीशन वन फुलफिल हो गया अब टू पे आओ बेटा ऊपर हाइड्रोजन है नीचे है लेफ्ट साइड में देखो ऊपर हाइड्रोजन टर्मिनल टू है, है दोनों सेम हो गए ऊपर भी है डबल बॉन्ड के दूसरे टर्मिनल पे आए ऊपर भी दो कार्बन है नीचे भी दो कार्बन है सेम हो गया दोनों पे डिफरेंट ग्रुप होने पड़ेंगे तब करेगा नेक्स्ट कंडीशन क्या ये जी शो करेगा या नहीं करेगा अब दो पाई बॉन्ड है दोनों को अलग अलग बताना पड़ेगा पहले लेफ्ट वाले को बताइए अब लेफ्ट वाले पे गए तो देखा सर इस टर्मिनल पे गए दो हाइड्रोजन है दोनों सेम है देखो इस टर्मिनल पे गए दो हाइड्रोजन है तो दोनों ग्रुप सेम पाए गए नहीं शो करेगा इट विल नॉट शो जी आई सिमिलरली इस वाले कार्बन पे गए राइट वाले टर्मिनल पे गए दो हाइड्रोजन है दोनों सेम है इट विल नॉट शो जी आई मतलब कंपाउंड कम, जी आई शो नहीं करेगा कंपाउंड जी आई शो नहीं करेगा एग्जाम में कैसे आता है यही पूछता है कि जी आई शो करेगा कि नहीं करेगा ठीक है इट विल नॉट शो जी आई अगला कंडीशन क्या ये जी आई शो करेगा या नहीं करेगा तीनों डबल बॉन्ड को अलग अलग से बताना पड़ेगा ठीक है कंडीशन यहां पे आई है तो ये देखो ये पाई बॉन्ड है ये देखो इस टर्मिनल पे गया दो हाइड्रोजन इट विल नॉट शो जी उसी तरह इस टर्मिनल पे गया इस पे दो हाइड्रोजन इट विल नॉट शो इटव ठीक लेफ्ट और राइट वाले डबल बॉन्ड तो इट विल नॉट शो इटव क्योंकि दो हाइड्रोजन है दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए तब जाके शो होगा अब बीच वाले पे देखो बीच वाले पे देखा इस डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो मैं लेफ्ट वाले टर्मिनल पे गया तो लेफ्ट वाले टर्मिनल पे देखो डिफरेंट ग्रुप है एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ये ये दूसरा ये वाला ग्रुप है एक हाइड्रोजन लगा है और दूसरा यह वाला ग्रुप लगा है दोनों डिफरेंट है सिमिलरली राइट right वाले टर्मिनल पे गया एक हाइड्रोजन लगा है और दूसरा यह वाला ग्रुप लगा है मतलब दोनों डिफरेंट है तो बीच वाला जो है वो दैट विल 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 शो 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 बीच बीच वाला बीच वाला इट क्यों क्योंकि दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं सेंटर वाला यस yes. बीच दोनों साइड वाले नहीं शो करेंगे बीच वाला शो करेगा एक भी अगर कंपाउंड शो कर एक भी ज्योमेट्रिकल शो होता है, तो विल शो एक कहीं भी एक डबल बॉन्ड अगर जी आई शो कर रहा है तो पूरा कंपाउंड जी आई शो करेगा ठीक है? है तो पता चला एक हाइड्रोजन है और एक सी डबल बॉन्ड सी है दोनों डिफरेंट हो गए इस कार्बन पे गया, पता चला एक सी डबल बॉन्ड सी है और दूसरा हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट है मतलब जी आई शो करेगा कंपाउंड में कोई भी एक बॉन्ड या कहीं भी जी आई शो हो रहा है तो पूरा कंपाउंड जी आई शो करेगा अगला सवाल यहां पे तीन तीन डबल बॉन्ड है देखो क्या शो करेगा कौन शो नहीं करेगा बताओ अब जैसे मैं गया सर ये वाला तो जी आई शो नहीं करेगा दो हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास इट विल नॉट शो जी आई ठीक है ऊपर वाले पे जाओ अब ऊपर वाले पे गया तो लेफ्ट वाले में देखा एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है दोनों डिफरेंट है राइट साइड में जाओ एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है दोनों डिफरेंट है मतलब ऊपर वाले में दोनों तरफ पाई बॉन्ड के दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं सेम नीचे वाले में आए तो सर लेफ्ट वाले टर्मिनल पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है डिफरेंट है राइट वाले टर्मिनल पे एक हाइड्रोजन और एक सी डबल बॉन्ड सी है डिफरेंट है मतलब इट विल शो जी बोलो क्लियर है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां पर जी शो करेगा इट विल शो जी मिडिल वाला नहीं करेगा ऊपर नीचे वाले करेंगे बोलो हाँ क्लियर है आपको बस दो कंडीशन देखनी है क्या बॉन्ड है बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड है और अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के दोनों छोर पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट आ जाओ यहां पे नेक्स्ट अब देखो यहां पे क्या डबल बॉन्ड है कंडीशन वन फुलफिल क्या डबल बॉन्ड के दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप हैं तो लेफ्ट वाले टर्मिनल पे यस डिफरेंट ग्रुप है है एक 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 मिथाइल और और हाइड्रोजन राइट वाले टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप है, एक लोन पेयर मतलब इट विल शो हैल तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है इट विल शो जी आई। क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हाँ बेटा नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आएगा ये वाला वालाओ एन डबल बॉन्ड एन क्या डबल बॉन्ड है बिल्कुल है कंडीशन वन फुलफिल क्या डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में देखोगे तो एक पेयर और एक हाइड्रोजन है डिफरेंट ग्रुप है लेफ्ट डबल बॉन्ड के राइट right साइड में जाओगे एक lone pair और एक और है तो मतलब it will show कहानी खत्म बोलो हाँ है ना? ये show करेगा डेढ़ सौ क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको लग रहा होगा ये आसान है धीरे 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 मैं examples के लेवल को बढ़ाऊंगा अभी टेंशन मतलब इटव यहां पे आओ दो कंडीशन मात्र आपको देखनी है क्या यहां पे जीआई शो होगा डबल बॉन्ड है हाँ सर कंडीशन वन फुलफिल क्या डबल बॉन्ड के दोनों छोर पे डिफरेंट है नहीं सर यहां पे देखो लेफ्ट साइड में दोनों मिथाइल है इट विल नॉट शो जी डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में यहां पर जी शो नहीं करेगा बोलो क्लियर है जल्दी जल्दी एग्जाम्पल भी नोट करते जा रहे हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ठीक है यहां पे आ जाओ अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंफर्मर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बहुत आसानी बेटा ये थोड़ा सा सब्र का गेम है आइसोमरिज्म क्वेश्चन लगाओ ठीक है चलो नेक्स्ट ये इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो डेढ़ सौ दो सौ सवाल एक टॉपिक पे कोई टीचर करा रहा हो करा रहे हैं तो बेटा इसका बस वो रखिए ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है वरना इधर देखेंगे क्या कंडीशन वन फुलफिल है हाँ सर डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के दोनों छोर पे मैं इस वाले छोर पे आया तो सर डिफरेंट ग्रुप है एक मिथाइल है एक इथाइल है एक दो कार्बन है, एक एक कार्बन है चलो राइट right वाले साइड गया यहां भी बेटा दो डिफरेंट ग्रुप है एक लोन एक हाइड्रोजन है मतलब बेटा यहां पर शो जी आई बोलो क्लियर है इट विल शो जी आई बोलो क्लियर है कोई दिक्कत नहीं बहुत है बहुत बढ़िया अमेजिंग इट विल शो जी आई यस इट विल शो जी आई नेक्स्ट कंडीशन आपके स्क्रीन पे यहां देखो जैसे ही कार्बन आपके पास डबल बॉन्ड है हां सर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो गया दूसरा देखो डबल बॉन्ड के इस वाले एंड पे सर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिफरेंट है राइट वाले एंड पे सर एक लोन पे और एक हाइड्रोजन डिफरेंट है मतलब इट विल इटव आई मतलब विल शो जी आई क्लियर है सूचित लास्ट में लिखाएंगे बता दिया आगे बढ़ो यहां पे आओ क्या यहां पे बेटा पाई बॉन्ड है बिल्कुल है बेटा पाई बॉन्ड है तो कंडीशन वन अब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखोगे यहां पे एच पी एच है यहां पे ऊपर देखो एक पी एच है नीचे एच है, है, है। इटव क्लियर है।, है।, है कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे बढ़ सकते हैं अगला कब सवाल अगला सवाल देखो जल्दी से क्या डबल बॉन्ड है दिख रहा है सर डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के दोनों एंड पे डिफरेंट है क्या इस वाले एंड पे तो डिफरेंट है एक लोन पे एक और, और वो फोर्थ पोजीशन पे वन टू थ्री फोर वो पैरा है ऊपर वाला बेटा पैरा पोजीशन पे लगा है वो डिफरेंट है नीचे वाला मेटा पोजीशन पे लगा है दोनों डिफरेंट है मतलब कि इट विल शो जी आई इट विल शो बेटा नो no नहीं यस yes, थोड़ा गौर से भी देखा करो काउंट करो भाई इसको कार्बन नंबर वन दे रहे हो तो ये देखो टू थ्री फोर पे जा रहा है फोर का मतलब पैरा होता है और यहां काउंट करोगे वन टू थ्री फोर अच्छा ओके 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 दोनों भी मेटा है यहां पर लगाओ ये मेटा पे लगेगा ठीक है ये मेटा पे लग रहा है माई फॉल्ट माई फॉल्ट यहां पर थ्री लग रहा है तो ये मेटा है ठीक है तो दोनों डिफरेंट है इट विल शो जी आई एक पैरा है और एक मेटा है दोनों डिफरेंट है इट विल शो जी आई क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे बढ़ सकते हैं हाँ या ना चलो नेक्स्ट नेक्स्ट अभी तक आपने नोट डाउन तो कर लिया ना बोथ मेटा नहीं है एक पैरा है और एक मेटा है फोर्थ पोजीशन पे बेटा ठीक है क्लियर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ये वाले सवाल पे क्या ये जीआई शो करेगा थोड़ा जल्दी करें ठीक है यहां द पाई बॉन्ड है सर बिल्कुल सही है कंडीशन वन फुलफिल दोनों एंड पे देखो सर इधर गए दोनों डिफरेंट है इधर भी गए दोनों डिफरेंट है क्यों सर नीचे जाने पे मिथाइल मिलेगा ऊपर जाने पे मिथाइल नहीं मिलेगा डिफरेंट है तो अगर ये डिफरेंट है तो इट विल शो जीआई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है क्या यह जी शो करेगा कि नहीं करेगा आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूं आपको बेटा एग्जाम में जैसे आता है ना वैसे ही पढ़ाया जाता है ठीक है वरना यहां पे देखोगे लेफ्ट में नीचे जाओगे तो मिथाइल मिलेगा ऊपर जाने पे मिथाइल नहीं मिल रहा है डिफरेंट है दोनों रास्ते अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब जीआई शो करेगा यहां पे आओ क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा पहला कंडीशन फुलफिल है डबल बॉन्ड है दूसरा कंडीशन डबल बॉन्ड के दोनों एंड पे डिफरेंट है क्या बिल्कुल तो सर इस वाले एंड पे तो डिफरेंट दिख रहा है एक लोन पेयर और एक ओ लेफ्ट वाले एंड पे भी डिफरेंट दिख रहा है एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है कार्बन के तीन ही बॉन्ड बने ना तो एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है दोनों तरफ बेटा डिफरेंट बॉन्ड बन रहा है मतलब इटव दोनों तरफ बेटा ये डिफरेंट बन रहे मतलब विल शो जी आई अगला कंडीशन यहां पे आओ क्या ये जी आई शो करेगा नहीं करेगा जैसी आपने देखा ये जी आई शो करेगा कि नहीं करेगा बड़ा सिंपल आपने देखा सर डबल बॉन्ड है हाँ यार डबल बॉन्ड है कंडीशन वन डबल के दोनों साइड देखोगे यहां पे लोन, यहाँ पे लोन है यहां पे देखोगे लोन पेयर इट विल शो जी आई बहुत बढ़िया इट विल शो जी आई दोनों डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट है इट विल शो जी आई नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन इस पे आओ जैसे मैं डबल बॉन्ड क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा पहले ये बताओ जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा यस और नो जैसे आपने देखा, सर ये है. हाँ सर ये डबल बॉन्ड है अच्छी बात है अब ये डबल बॉन्ड है कि राइट right साइड में देखा ड्यूटेरियम और क्लोरीन डिफरेंट है मतलब एक कंडीशन तो फुलफिल है अब लेफ्ट साइड में आया अब लेफ्ट साइड में आया तो यार मैं ऊपर गया एक कार्बन है नीचे भी गया एक कार्बन है ठीक है आगे बढ़ के देखते हैं कहीं डिफरेंट मिल जाए अगला भी कार्बन है अगला भी कार्बन है आगे बढ़ के देखते हैं कहीं डिफरेंट मिल जाए अगले कार्बन पे हाइड्रोजन क्लोरीन अगले कार्बन पे हाइड्रोजन क्लोरीन है दोनों सेम निकले भाई दोनों सेम निकले कहीं से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा समझ में आ रहा है राइट वाले पे तो दोनों टर्मिनल राइट वाले टर्मिनल पे तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं लेफ्ट वाले टर्मिनल पे ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है अब लेफ्ट वाले टर्मिनल पे ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है इट विल नॉट शो जी आई दोनों टर्मिनल पे ग्रुप्स डिफरेंट होने पड़ेंगे तब जाके ज्योमेट्रिकल शो होगा ठीक है दोनों कंसीडर सेम करते हैं यस दोनों सेम कंडीशन करते हैं मलिक अब आ जाओ लेफ्ट में दोनों सेम मिल रहे हैं। देखो लेफ्ट में नीचे गया एक कार्बन ऊपर भी गया एक कार्बन और आगे बढ़े एक कार्बन और आगे बढ़े एक कार्बन थोड़ा बड़े हाइड्रोजन क्लोरीन वाला कार्बन थोड़ा बड़े हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों तो सेम आ रहे हैं तो कैसे डिफरेंट हो जाएगा ठीक है तो इट विल नॉट शो जी आई अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या ये जीआई शो करेगा क्या डबल बॉन्ड है बिल्कुल है डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या डिफरेंट हैं तो सर इधर भी डिफरेंट है इधर भी डिफरेंट है मतलब इट विल शो जीआई कहानी खत्म डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड के बाद दोनों एंड पे डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए बस मात्र दो कंडीशन आपको देखनी ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन ये दोनों अलग है ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दे बोथ आर डिफरेंट एटम्स क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं इस वाले एग्जाम्पल को करिए समझ में आएगा सर डबल बॉन्ड दिखा क्या दिखा अब डबल बॉन्ड के दोनों एंड पे देखो तो मैं इस वाले एंड पे गया थोड़ा दूरबीन लगाया देखा क्या दिख रहा है एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन डिफरेंट है मैं लेफ्ट वाले पे गया मैंने देखा एक हाइड्रोजन और एक पूरा साइक्लोहेक्सेन है ये भी डिफरेंट है मतलब दोनों डिफरेंट है इट विल नॉट शो जी आई बेटा दोनों डिफरेंट है अगर एक साइड भी जी आई शो करेगा तो वो पूरा स्ट्रक्चर नहीं बेटा एक साइड नहीं जी आई शो होता है जी आई पूरे डबल बॉन्ड पे शो होना चाहिए इधर भी डिफरेंट इधर भी डिफरेंट तब जाके जी आई शो होगा ठीक क्लियर कोई दिक्कत नहीं है इट विल दोनों डिफरेंट है तो इट विल शो जी आई दोनों डिफरेंट है तो इट विल शो जी आई यस है चलिए नेक्स्ट यहां पे आते हैं बिल, बिल्कुल ड्यूटेरियम वन एच टू होता है बहुत बढ़िया यहां पे आओ यहां पे आओ इस कंडीशन पे क्या जी आई शो होगा या नहीं होगा एक साइड नहीं कंपाउंड में एक पाइबोड भी जी आई शो करेगा तो पूरा कंपाउंड जी आई शो करेगा पूरा पूरा, पूरा पाइबोंड जी आई शो करता है ऐसा नहीं कि आधे तरफ जीआई तो है दूसरे तरफ नहीं, नहीं। पूरा पूरा पाई बॉन्ड दोनों तरफ जो होना चाहिए क्लियर यहां आइए डेढ़ सौ क्वेश्चन है भाई इतने क्वेश्चन है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे टेंशन मत लो बस क्वेश्चन करो मेरे साथ यहां देखो डबल बॉन्ड दिखा सर ठीक डबल बॉन्ड के इस वाले एंड पे गए क्या दोनों तरफ डिफरेंट है हां लेफ्ट में दो कार्बन है राइट में लेफ्ट में तीन कार्बन है राइट में दो कार्बन है डिफरेंट हो गया नीचे वाले पे गए सर एक हाइड्रोजन एक फ्लोरिन डिफरेंट हो गया मतलब इट विल शो जी आई मतलब इट विल शो जी आई कोई दिक्कत नहीं है समझ में आया आपको कुछ नहीं करना है डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे डिफरेंट है तो जी आई शो करेगा नहीं डिफरेंट है तो जी आई शो नहीं करेगा क्लियर नेक्स्ट कहानी क्या ये जी आई शो करेगा या नहीं करेगा तो सबसे पहले आपने देखा कि सर डबल बॉन्ड होना चाहिए ठीक है अब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ मैं इस वाले तरफ देख रहा हूं तो सर एक तरफ फ्लोरीन है और दूसरे तरफ एक और दो कार्बन है ठीक है सर उसी तरह मैं यहां पे आया डबल बॉन्ड के पास ये तो फ्लोरीन है ठीक है और उधर ऊपर देखो भाई ऊपर देखोगे डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड के लेफ्ट टर्मिनल पे एक फ्लोरीन है और ऊपर दो कार्बन है यस या नो राइट साइड में एक फ्लोरीन है और ऊपर ऐसा वाला कार्बन है शो करेगा कि नहीं करेगा क्या दोनों डिफरेंट है या दोनों बहुत है बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है बस इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा टेढ़ा घुमाया हुआ है इट विल शो और इट विल नॉट शो बस दो कंडीशन दिमाग में रखो बाकी मत मारो कंडीशन नंबर वन क्या डबल बॉन्ड है हां सर अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के दोनों एंड पे देखना है भाई लेफ्ट एंड पे आओ सब लोग इस कंपाउंड के लेफ्ट एंड पे देखो क्या दोनों डिफरेंट हैं डबल बॉन्ड के लेफ्ट एंड पे देखोगे क्या दोनों डिफरेंट है हा हा दोनों डिफरेंट है एक फ्लोरीन है और ऊपर जाते हुए दो कार्बन है डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड में देखे क्या दोनों डिफरेंट है हां एक फ्लोरीन है और एक कार्बन है मतलब विल दोनों तरफ डिफरेंट है बेटा इट विल शो जी आई नो कैसे बोल रहे हो हाउ यू आर सेइंग नो नो तो तब होगा जब दो आप कैसे कंपेयर कर रहे हो पता है इस टर्मिनल का ग्रुप ग्रुप इस टर्मिनल का ग्रुप आप कंपेयर कर रहे हो मैंने बोला है दोनों टर्मिनल का अलग अलग कंपेयर करना है आप ये नहीं कह सकते सर देखो इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है ठीक इस टर्मिनल पे देखो सर ऊपर और नीचे दो अलग अलग ग्रुप है इस टर्मिनल पे देखो ऊपर और नीचे दो अलग अलग ग्रुप है इट विल शो जी आई ठीक है ना दोनों अलग अलग कंपेयर नहीं कर सकते अगला सवाल नाइस क्वेश्चन अगला सवाल दिखने में अच्छा ये ये क्या शो करेगा नहीं करेगा ठीक है यहां पे देखोगे इट विल नॉट शो जी आई एल्काइंस नेवर शो जी आई क्यों एरियल डिस्टेंस सेम होता है एल्काइन कभी जी आई शो नहीं कर सकता क्योंकि एरियल डिस्टेंस सेम होता है अगला सवाल एलकाइन कभी भी शो नहीं करता यहां पे आओ दोनों पाई बॉन्ड बताओ पहले नाइट्रोजन वाले की बात करते हैं आ जाओ सर इस पाई बॉन्ड की बात करते हैं नाइट्रोजन पे तो एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन है तो राइट हैंड साइड पे तो डिफरेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंट है या नहीं आ जाओ चेक करते हैं सर इस वाले टर्मिनल पे चेक कराओ कार्बन है सर इधर भी कार्बन है इधर जाने पे डबल बॉन्ड है इधर जाने पे डबल बॉन्ड नहीं है मतलब लेफ्ट में भी डिफरेंट है राइट में भी डिफरेंट है भाई नाइट्रोजन वाले एंड पे तो डिफरेंट ही होगा एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन मैं राइट कार्बन वाले एंड पे आया ऊपर गया कार्बन नीचे गया कार्बन ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है नीचे डबल बॉन्ड है नेक्स्ट पे दोनों डिफरेंट है मतलब इट विल शो जी आई वो था डिफरेंट इट मीन इट विल शो जी आई बोलो हाँ ऊपर और नीचे डिफरेंट है इट विल शो जी आई ठीक है ना क्लियर है ना कोई दिक्कत नहीं है तो दिस दिस विल शो जी आई अब मैं बात करता हूं इस वाले पाईबोंड पे क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा नहीं देखो कैसे नहीं करेगा आ जाओ सर यहां पे देखो ये हाइड्रोजन है और ये है चलो आपको तो यही वाले पाइबोंड की बताना है अभी आगे उस क्वेश्चन को ले लेंगे कि दूसरा पाईबोंड क्या कर रहा है आ जाओ यहां पर आओ आ जाओ यहां पर आओ अभी इस पाइबोंड के हिसाब से बताना है क्या यह शो करेगा या नहीं करेगा ऑब्वियसली नॉट ऑब्वियसली नॉट क्योंकि राइट right वाले टर्मिनल पे देखो दोनों सेम ग्रुप हैं मैंने बोला है दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप होने पड़ेंगे दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप होगा तब जाके जी आई शो होगा वरना नहीं होगा ठीक है क्लियर हुआ कोई दिक्कत नहीं है इस वाले क्वेश्चन को रिपीट की डिमांड आ रही है आइए रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को आइए रिपीट कर देते हैं अब हमारे पास बेटा ये वाले डबल बॉन्ड है मुझे केवल इस डबल बॉन्ड का जी बताना इस वाले डबल बॉन्ड का आगे क्वेश्चन आएगा आ जाओ इस वाले डबल बॉन्ड का देखो इस द, पहला कंडीशन डबल बॉन्ड है दूसरा कंडीशन डबल बॉन्ड को दोनों एंड पे क्या डिफरेंट ग्रुप है तो राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन है उस पर एक लोन पेयर होता है और एक हाइड्रोजन है तो दोनों डिफरेंट हो गए एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया राइट हैंड साइड पर तो डिफरेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे देखो इधर जाने पर दो कार्बन है इधर जाने पे एक कार्बन और एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन है डिफरेंट है देखो पहले कार्बन तक तो दोनों सेम निकले हां पहले कार्बन तक दोनों सेम निकले दूसरे कार्बन पे यहां पे सिंगल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पे यहां पे डबल बॉन्ड है मतलब यहां पे बेटा अलग अलग है तो दिस विल शो जी आई दिस विल शो जी आई क्लियर है ना कि शो जी आई ये वाला डबल बॉन्ड जी आई शो करेगा अगला सवाल इस पे आओ ठीक है यहां पे आ जाओ बड़े प्यार से समझो कि सर सबसे पहले डबल बॉन्ड देखना था हां सर डबल बॉन्ड देखा अब डबल बॉन्ड के दोनों छोर पे देखो सर नाइट्रोजन वाले पे तो डिफरेंट ही होता है एक लोन पे एक ओएच है नाइट्रोजन तो हमेशा डिफरेंट देगा ठीक है अब कार्बन पे देखो क्या दोनों डिफरेंट है यस ए देर फॉर इट विल शो जी दोनों बॉन्ड से शो करेगा बिल्कुल सही है आपका ठीक है यहां पे आ जाओ इधर तो हमेशा डिफरेंट ही होगा इधर भी डिफरेंट है मतलब दोनों तरफ डिफरेंट है तब जाके जी आई शो करेगा ठीक है ऐसा नहीं हो सकता कि सर नाइट्रोजन पे तो डिफरेंट है ना इस पे भले डिफरेंट होना हो नहीं दोनों छोर पे डिफरेंट होना पड़ेगा तब जाके जी आई शो होगा यहां पर आओ क्या यह जीआई शो करेगा नहीं करेगा हमने देखा क्या डबल बॉन्ड है हां क्या दोनों छोर पे डिफरेंट है बिल्कुल इधर भी डिफरेंट है इधर भी डिफरेंट है इट विल शो जी आई दोनों छोर पे डिफरेंट है इट विल शो जी आई बोलो क्लियर कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ सकते हैं बोलो ठीक है सर दोनों छोर पे ये डिफरेंट है आगे बढ़ जाते हैं यहां पे आओ जैसे आपने देखा भाई ऊपर जाने पे क्या आपके पास इधर जाने पे देखो राइट हैंड साइड पे इधर कार्बन इधर ऑक्सीजन है डिफरेंट अब लेफ्ट वाले छोर पे देखते हैं इधर ऑक्सीजन इधर कार्बन है डिफरेंट मतलब इट विल शो इटव बस आपको अलग अलग करके देखना आना चाहिए ऊपर ऊपर से देखोगे अरे सर इधर इधर भी इधर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन इट विल नॉट शो जी गड़बड़ कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है आपको पहला कंडीशन है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए है दूसरा कंडीशन देखना है कि भाई दोनों छोर पे डिफरेंट होने चाहिए ऊपर गए कार्बन नीचे गए ऑक्सीजन डिफरेंट इधर देखो ऊपर गए ऑक्सीजन नीचे गए कार्बन दोनों डिफरेंट तो दोनों एंड डिफरेंट है दोनों टर्मिनल डिफरेंट है इट विल शो जी आई यहां पर जी आई शो करेगा नहीं करेगा गंभीरता से सवाल को सॉल्व कीजिए मजा आएगा टेंशन मत लीजिए डबल बॉन्ड है हां अब डबल बॉन्ड के दोनों टर्मिनल पे क्या जी आई शो होगा बिल्कुल इधर जाने पर बीआर हो रहा है इधर जाने पे कार्बन हो रहा है डिफरेंट है लेफ्ट वाले पे देखो इधर जाने पे कार्बन हो रहा है इधर जाने पे बी आर हो रहा है मतलब दोनों छोर दोनों टर्मिनल डिफरेंट है इट विल शो जी आई बेसिकली टर्मिनल केयरफुली चेक करना है यस yes. अब समझ आ रहा है आईसोमरि... ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन हो रहे हैं और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी आपने किया कि क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा क्वेश्चन पता है कैसे आता है पांच स्ट्रक्चर बना के दे देगा बोलेगा आउट ऑफ दिस हाउ मेनी विल शो जीआई आपको दो या तीन या चार ए ऑप्शन में दो बी ऑप्शन में तीन यहां पर चार ऐसा रहता है तो बेसिकली करना क्या है डबल बॉन्ड पकड़ना है डबल बॉन्ड के दोनों टर्मिनल पे ऊपर जाना है नीचे जाना है अगर डिफरेंट है तो फिर इट विल शो जीआई दोनों एंड पे करना है सेम काम अगर दोनों पे डिफरेंट आएगा तो जीआई शो करेगा यहां पे आओ मैंने डबल बॉन्ड को पकड़ा राइट हैंड साइड पे तो दोनों डिफरेंट है बट लेफ्ट हैंड साइड बेटा ये क्या हो गया दोनों सेम है तो इट विल शो जी आई बोलो क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं इट विल शो जी आई नहीं इट विल नॉट शो जी आई बेटा लेफ्ट वाले सेम हो गए ना दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट होने चाहिए यहां राइट टर्मिनल डिफरेंट है लेफ्ट वाला डिफरेंट नहीं है राइट टर्मिनल डिफरेंट है लेफ्ट वाला देखोगे तो दोनों सेम पड़ रहा है मतलब इट विल नॉट यहां पे आओ क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा अभी इस क्वेश्चन को रहने देते हैं अभी इस क्वेश्चन को मत करो इस क्वेश्चन को हम अभी बाद में आपको लास्ट में कराएंगे क्योंकि ये बाइफ मतलब साइक्लो एल्केन वाला क्वेश्चन है ये वाला बताऊं इस क्वेश्चन पे बताओ ये वाला क्वेश्चन अभी बाद में कराऊंगा ये वाला बताओ ठीक है आ जाओ यहां पे आओ ये देखो क्या है कार्बन डबल सबसे पहले डबल बाउंड है अब दोनों छोर पे गए यहां तो डिफरेंट दिख गया, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों डिफरेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे गया सर यहां कार्बन यहां भी कार्बन सर यहां अगला कार्बन यहां कार्बन क्लोरीन के साथ है डिफरेंट है मतलब इट विल शो इटव दोनों तरफ डिफरेंट है इट विल शो जी इटव हाँ ना। अगला सवाल इट विल शो इटव यहां पर आओ अब आपके मतलब पहले जो नॉलेज था और अब जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ गया है डेढ़ सौ क्वेश्चन के बाद आप मास्टर हो जाओगे बिलीव में यहां पर आओ आपको तीनों पाई बॉन्ड के बारे में बताना है ये क्वेश्चन वैसे हम करा चुके बट फिर भी बताओ आप देखो सबसे पहले बीच वाले पे फोकस करो तो ये कार्बन है ठीक है सर मैंने जिसको लेफ्ट जिसको मैंने व्हाइट कर रहा हूं बस उसको फोकस करना है ठीक है इसमें ये वाले पोर्शन पे डिफरेंट नहीं है इट विल नॉट शो जीआई दोनों टर्मिनल डिफरेंट होना चाहिए तब जाके जीआई शो होगा मतलब ये वाला कार्बन तो शो मतलब ये वाला पाइबोन्ड तो जीआई शो नहीं करेगा ठीक है ना दिस विल नॉट शो जीआई बहुत अच्छी बात ऊपर वाला देखो अब मैं जिसको व्हाइट कर रहा हूं उसको देखोगे क्या ये दोनों कार्बन है कार्बन के दोनों छोर है अब मैं लेफ्ट वाले कार्बन से पूछना चाहता हूं क्या दोनों डिफरेंट है बोलेगा हां क्यों क्यो? क्योंकि जो ग्रीन वाला कार्बन है उसके कौन से दो बॉन्ड है एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल जो लेफ्ट वाला है टर्मिनल उस पर क्या क्या लगा हुआ है एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल डिफरेंट है अब राइट साइड में देखो राइट वाला जो है उसमें एक हाइड्रोजन और दूसरा डबल बॉन्ड दोनों डिफरेंट है ठीक सर ऊपर वाला तो शो करेगा सेम नीचे वाले पे आते हैं मैं लेफ्ट वाले कार्बन पे जाता हूं एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल लगा हुआ है मैं राइट हैंड साइड पे जाता हूं एक हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है इट विल शो लगावा बोलो क्लियर कंपाउंड में तीन डबल बॉन्ड थे दो तो शो कर रहे हैं एक नहीं शो कर रहे अब मेरा कहना यह है कंपाउंड में एक भी जीआई शो करेगा तो पूरा कंपाउंड जीआई शो करता है द होल कंपाउंड शोज जीआई एक भी पाई बॉन्ड अगर जीआई शो करेगा तो पूरा कंपाउंड जीआई शो करता है ठीक क्लियर कोई दिक्कत नहीं है समझ में आया आगे बढ़ जाते हैं यहां पे आइए चारों तीन के तीन डबल बॉन्ड है मुझे बताना है कि क्या जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा आ जाओ मैं इस वाले सबसे पहले इस वाले पे जाता हूं इन दोनों कार्बन को देखो लेफ्ट वाले कार्बन पे तो दो हाइड्रोजन आएंगे ना भाई वहां पे कोई बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन आएगा तो इसका मतलब ये वाला तो जीआई शो नहीं करेगा बड़ा सिंपल है डिफरेंट नहीं है अच्छा ऊपर वाले पे जाओ ऊपर वाले पे गया इस कार्बन पे फोकस करो दोनों सेम है जीआई शो नहीं करेगा नीचे में आओ इस कार्बन पे फोकस करो दोनों सेम है इट विल नॉट शो जीआई यस और नो यहां देखो तीनों ही जी शो नहीं कर रहा है कोई भी कंपाउंड शो नहीं कर कोई भी जी शो नहीं कर रहा है तो पूरा कंपाउंड डू नॉट शो जी बोलो बोलो हा ना पूरा कंपाउंड विल नॉट शो जी क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ सकते हैं हा ना बोलना पड़ेगा अगला सवाल मुझे बताओ क्या यह जी शो करेगा या नहीं करेगा सारे लेफ्ट से राइट right तक सबको बताना है इट इज काइंड ऑफ अ चॉकलेट क्वेश्चन लेफ्ट से राइट तक सबको बताना है आओ यस और नो गर्दा हो रहा है गर्दा हो रहा है सब लोगों के मतलब अच्छा लग रहा है गर्दा का मतलब हो रहा है कि समझ आ रहा होगा है ना ऐसा कि गर्दा मच गया सर मजा आ गया है ना मैं पटना पढ़ाता था वहां पे बच्चे थे बड़े मतलब वहां बच्चे बड़े मेहनती हैं बट मैं बिलीव यही रखता हूं कि मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ये है कि स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ प्रॉपर गाइडेंस मेरा आज भी बिलीफ है कि अगर मैं किसी को सामने रखू वो कैसा भी गधा है मैं उसको नीट क्लियर करा सकता हूं क्योंकि नीट इज अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी नीट इज अज नेवर अ गेम ऑफ नॉलेज ठीक है वही है कि मतलब पढ़ते बहुत लोग हैं सही रास्ते पर बहुत कम लोग पढ़ते हैं चलो नेक्स्ट यहां पर आओ इट विल शो जी आई और नॉट शो जी आई यहां पे पे आओ तो बेटा सबसे पहले लेफ्ट वाले पे जाते हैं मेरे हिसाब से मैं लेफ्ट वाले कार्बन को चेक किया डिफरेंट है राइट वाले कार्बन को चेक किया वहां भी डिफरेंट है क्योंकि एक हाइड्रोजन है और एक पूरा पूरा कार्बन आ रहा है इधर तो मतलब इट विल शो शो ठीक बेटा पहला वाला करेगा अब नीचे वाले के बताओ इस वाले को बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा तो यहां पे आए सब लोग नजर इधर दौड़ाना इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट है ना एक मिथाइल आ रहा है दूसरा हाइड्रोजन होगा ठीक है अब मैं इस कार्बन पे जाता हूं तो देखो एक हाइड्रोजन है और ऊपर पूरा पूरा कार्बन है इट विल शो जीआई जीआई बहुत अच्छी बात है ये दोनों GIA शो करेगा बहुत अच्छी बात है अगले आओ मैं अब सब इस वाले इस वाले पे आओ आओ इस वाले पे क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा तो देखो ये कभी भी जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे दोनों सेम है इथाइल इथाइल है यह कभी भी जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे दोनों मिथाइल है ठीक है या नहीं है ठीक है नहीं, अब पे आओ ये वाला GI शो करेगा क्योंकि डिफरेंट है देखो राइट हैंड साइड पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखो, ये देखो पूरा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम वाला है ऊपर की तरफ और नीचे मिथाएल, मिथाएल वाला है। तो बेटा, ये दोनों डिफरेंट है ऊपर और नीचे दोनों डिफरेंट है इट विल शो जी सिमिलरली यहां पर आओ आओगे तो बेटा ऊपर अलग है नीचे अलग है सिमिलरली ऊपर अलग है नीचे अलग है तो इट विल शो जी आई बस टर्मिनल देखना है कहानी खत्म ठीक है टर्मिनल देखना है कहानी खत्म अगला सवाल अगला सवाल कितने पोजीशन अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ सकता है मतलब क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी बॉन्ड विल शो जी आई देखो ये वाला जी आई शो करेगा कि नहीं करेगा करेगा ये भी शो करेगा बिकॉज डिफरेंट है दोनों टर्मिनल पे जाओ दोनों डिफरेंट पाए जाएंगे ठीक है ऊपर इथाइल इथाइल है नीचे मिथाइल मिथाइल है डिफरेंट है इधर कार्बन है ऊपर एक तरफ हाइड्रोजन है डिफरेंट है तो यार एक दो तीन चार पांच तो जी आई शो करेगा और तीन जी आई शो नहीं करेगा आठ में से पांच जी आई शो करेगा ठीक है लेकिन होल कंपाउंड विल शो जी आई पूरा मतलब एक भी बॉन्ड अगर जीआई शो कर रहा है तो पूरा कंपाउंड जीआई शो करता है ठीक है नेक्स्ट यहां पर आओ क्या यह जी शो करेगा कि नहीं करेगा डबल बॉन्ड पकड़ो दोनों टर्मिनल पे जाके बस देखना है मैं राइट वाले टर्मिनल पे गया इधर जाने पे कार्बन ओके okay. इधर जाने पे भी कार्बन अच्छा सर किधर भी मूव कर सकते हो मैं इधर गया कार्बन मैं इधर गया ऑक्सीजन डिफरेंट है भाई डिफरेंट है देखो यहां पे क्या है कि सर पहले पोजीशन पे कार्बन यहां भी पहले पोजीशन पे कार्बन पहल, दूसरे पोजीशन पे कार्बन यहां दूसरे पोजीशन पे ऑक्सीजन है डिफरेंट हो गया अब लेफ्ट साइड पे आओ लेफ्ट साइड में पहले पोजीशन पे कार्बन दूसरे पोजीशन पे कार्बन यहां पे देखो पहले पोजीशन पे कार्बन और दूसरे पोजीशन पे ऑक्सीजन है डिफरेंट है अगर डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा मतलब कुल मिला के बात यही आई कि डबल बॉन्ड के टर्मिनल पर जाके बैठ जाओ और वहां ऊपर जाओ नीचे जाओ डिफरेंट पाए जी आए, नहीं डिफरेंट पाया जी आए, शो नहीं करेगा बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ठीक है तो एक सेकेंड रुको ठीक है इट विल शो जी आई वन सेकेंड जस्ट हाँ। जूम मीटिंग्स भी करिए बहुत कुछ पूछना है आपसे अरे हाँ यार बिल्कुल कर रहे हैं हर दिन कर रहे हैं छत्तीस क्वेश्चन हो गए अब इजी लगने लगा ओके फाइन तीन दस में बॉट हाँ यार तुम लोगों की तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है तीन दस में बॉटनी क्लास है हाँ भाई है कुछ पता है मुझे और लो लो ठीक है चलो तो यहां से अब ये वाला क्वेश्चन अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन करो आप ठीक है इसके बाद हम क्यूमुलिन पढ़ेंगे ठीक है अब डबल बॉन्ड वाले आपके रिस्ट्रिक्शन हो गए फिर इसके बाद क्यूमोलीन पढ़ेंगे फिर साइक्लो एल्केन पढ़ेंगे फिर क्यूमुलन प्लस साइक्लो एल्केन का वेरिएशन पढ़ा बहुत सारा पढ़ने वाले अभी टेंशन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो जोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन है जो जोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो जोमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहां पर आओ टू ब्यूटीन क्या यह जोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा यह बताना है टू ब्यूटीन जो बिट्रिकल आइसोरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एक दो तीन चार टू ब्यूटीन है मतलब यहां पे डबल बॉन्ड है टू ब्यूटीन है मतलब यहां पे डबल बॉन्ड है ठीक है टू ब्यूटीन है यहां पे डबल बॉन्ड है अब बताओ ये दोनों बॉन्ड में ये दोनों बॉन्ड में ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा ये बताओ ये दोनों पाई बॉन्ड में जो जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा देखो यहां पे इधर हाइड्रोजन है इधर हाइड्रोजन है वेदर इट विल शो जी आई और नॉट ये विल शो जी ठीक है यस इट विल शो जीआई ठीक है कई लोग कह रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर दो क्या मैं नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट कर दू नेक्स्ट मंडे से कर दू फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट तो नेक्स्ट मंडे से विल डू द फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो ठीक टेंशन नहीं लेना चलो या इधर आओ टू ब्यूटीन के बाद यहां पर आओ वन ब्रोमो टू क्लोरो इथीन क्या ये शो करेगा नहीं करेगा वन ब्रोमो टू क्लोरो इथीन तो वन ब्रोमो टू क्लोरोन वन पे ब्रोमो है टू पे क्लोरो है और ये इथिन भी है वन ब्रोमो टू क्लोरोथीन वन ब्रोमो टू क्लोरो इथीन में क्या होना है तो भाई देखो दोनों तरफ क्या पाई बॉन्ड है और दोनों तरफ क्या डिफरेंट है यस इट विल शो जी आई ठीक है क्लियर चलो नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन वन ब्रोमो टू क्लोरो क्लोरोन नेक्स्ट यहां पे आओ वन फिनाइल प्रोपीन वन फिनाइल प्रोपीन में क्या होगा यहां पे आ जाओ प्रोपीन बनाओ सबसे पहले तो सर ये बनाया मैंने प्रोपीन और वन पे ही फिनाइल लगा हुआ है मतलब यहां पे मैंने क्या बेंजीन लगाया हुआ है अब मुझे बताओ क्या ये डिफरेंट है या नहीं है तो देखो इस कार्बन के चौथा बॉन्ड तो हाइड्रोजन बना होगा राइट हैंड साइड में डिफरेंट है लेफ्ट हैंड साइड में भी डिफरेंट है इट विल शो जी आई ठीक है यहां पे आओ इट विल शो जी आई क्लियर है समझ में आया हां जो फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेज चलेगी वो पैरेलल में चलेगी टेंशन मत लो तो ये चलता रहेगा और साथ साथ में फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव मिनट्स की क्लासेस लेके हम फिजिकल केमिस्ट्री कराते रहेंगे ठीक है चलो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री लंबी होती है मैं बता दूँ मतलब मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ाता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में क्योंकि थोड़ा ज्यादा तो आपको मिलेगा राइट अगेन माई बिलीफ इज वही है कि भाई आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निकल के आएगा अगले आओ यहाँ पे टू मिथाइल टू ब्यूटीन क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा तो एक दो तीन चार टू मिथाइल और टू ब्यूटीन तो टू ब्यूटीन समझ में आ गया टू पे मिथाइल लगा हुआ है तो देखो टू मिथाइल टू ब्यूटीन नहीं है टू ब्यूथाइन टू मिथाइल टू ब्यूटीन बेटा ये जी शो नहीं करेगा ठीक है बिकॉज इस साइड में बेटा दो मिथाइल आ गए ठीक है इस साइड में दो मिथाइल आ गए क्लियर है आ जाओ यहां पे आओ टू पेंटेनोइक एसिड इधर आओ टू पेंटेनोइक एसिड पे करो तो यार दो पेंटेनोइक एसिड पेंटेनोइक एसिड पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोग एसिड। एक दो एक दो तीन चार पांच सी O एच एक और दो टू पेंटेनोइक एसिड करो क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा तो ये बस आईयूपीएसी इसमें भिड़ाया हुआ है और कुछ नहीं है तो देखो यहां पे दोनों टर्मिनल पे देखो राइट साइड में दोनों डिफरेंट है ठीक है सर लेफ्ट साइड में भी दोनों डिफरेंट है ठीक है सर इसका मतलब इट विल शो जी ठीक है इसका मतलब इट विल शो जी आई दोनों तरफ डिफरेंट होने चाहिए इट विल शो जी आई यहां पर आओ टू एसिड दो तीन चार एक दो तीन चार ब्यूटेनोइनोइक एसिड ये रहा एसिड ही है ना एक, दो, तीन चार पांच हाँ, एक दो तीन चार टू ब्यूटिनोइक एसिड तो एक दो टू ब्यूटिनोईक एसिड ये रहा डबल बॉन्ड यहां पे उसको क्या आ गया हाइड्रोजन यहां पे क्या आ गया हाइड्रोजन इट विल शो जी आई ठीक है क्लियर <coughs> है यहां पे आ जाओ नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट थ्री पेंटिनोइक एसिड तो एक दो तीन चार एक दो तीन चार और पेंटिनोइक एसिड थ्री एक दो थ्री मतलब यहां पे आएगा बताओ क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा जीआई शो करेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है राइट हैंड साइड पे देखो ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड और नीचे हाइड्रोजन है क्लियर पेंटिनोइक एसिड नहीं होगा बेटा जो थ्री पेंटिनोइक एसिड आपको जीआई शो करेगा यह भी जीआई शो करेगा डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा थ्री ब्यूटिनोइक एसिड तो एक दो तीन चार एक दो तीन चार यहां पर क्या आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक दो थ्री पोजीशन पे क्या ये जीआई शो करेगा थ्री ब्यूटी एसिड थ्री ब्यूटी एसिड आप बनाओगे जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि दो हाइड्रोजन आ रहे हैं यहां पे क्योंकि दो हाइड्रोजन आ रहे हैं यहां पे अब यहां पे आ जाओ कि थ्री ब्यूटी एसिड के बाद आ जाओ टू मिथाइल पेंट टू इन टू मिथाइल पेंट टू इन तो यहां पर आओगे दो तीन चार एक दो तीन चार पांच ठीक है एक दो पेंट टू इन ये रहा टू पे मिथाइल लगा हुआ है क्या ये जी शो करेगा नहीं करेगा तो देखोगे तो डबल बॉन्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जीआई शो नहीं हो पाएगा दो मिथाइल है दोनों सेम ग्रुप आ गया चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या ये जीआई शो करेगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड है आइन है कभी भी जीआई शो नहीं करेगा ट्रिपल बॉन्ड नेवर शो जीआई ठीक है ट्रिपल बॉन्ड नेवर शो जी आई अब आ जाओ नेक्स्ट कहानी यहां पे नेक्स्ट कहानी यहां पे वन क्लोरो ब्यूट वन इन एक दो तीन चार वन पे क्लोरो है ब्यूट वन इन है क्या ये जी आई शो करेगा डबल बॉन्ड के दोनों छोर पे देखे लेफ्ट वाले पे तो देखो डिफरेंट दिफर, है राइट वाले पे भी डिफरेंट है और इसलिए वन क्लोरो ब्यूट वन इन विल शो जी आई ठीक है वन क्लोरो ब्यूट वन इन विल शो जीआई उसी तरह लास्ट क्वेश्चन आपको आएगा एक दो तीन चार ठीक है टू थ्री डाईक्लोरोना टू थ्री क्लोरो ब्यूटेन तो यहां पे आ गया टू थ्री डाइक्लोरो ब्यूटेन में आपको वन टू थ्री फोर टू थ्री डाइक्लोरो ब्यूटेन में आ जाएगा क्या ये जी शो करेगा या नहीं करेगा ब्यूटेन है बेटा एलकेन कभी भी जी शो नहीं करता एलकेन और एलकाइन जी शो नहीं करता केवल और केवल एलकीन जी शो करेगा क्लियर है अब क्या मैं आपको क्यूमुलिन पढ़ाऊं नहीं क्योंकि तीन बज चुके हैं और आपके आ, कहानी हो गई होगी यहां तक ठीक है क्यूमुलिन वैसे आसान है इवन क्यूमुलिन ऑड क्यूमुलिन ये सब कराना है तो केस टू कल करेंगे ठीक है ना इज द केस टू और केस थ्री होगा साइक्लो एल्केन ठीक है तो कल आपका जी आई थोड़ा हाउ टू शो शो जी आई वाला पोर्शन कल खत्म होगा कि जी आई शो होता है कि नहीं होता है क्यूमुलिन पढ़ना है एल्केन पढ़ना है पढ़ना है ठीक है ये तीन केसेस है टोटल नाइन है, और वो सब हम डिस्कस करेंगे ठीक है चलिए टू पेंटेनोइक नहीं शो करेगा टू पेंटेनोइक नहीं शो करेगा कहा भाई टू पेंटेनोइक देख लेते हैं टू पेंटेनोइक ये रहा एक दो तीन चार पांच पेंटेनोइक है अच्छा पेंटीनोइक होगा बेटा ये ये पेंटीनोइक है ठीक है ना टू पेंटिनोइक एसिड ठीक है तो इसलिए ये शो करेगा ठीक है डेढ़ सौ क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे नौ केसेस में फिर हम जाके जीआई वगैरह के आगे के क्वेश्चन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरीजम में मूव करेंगे थैंक यू ठीक है ऑल द बेस्ट बाय